अच्छा बेटा, अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ इथीन। अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर इथीन हमने लिया था, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम मज़ीद आगे मूव कर रहे हैं और इथीन के प्रिपरेशन, उसे प्रिपेयर कैसे किया जाएगा ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी हुई प्रिपरेशन और रिएक्शन से है। किसी चीज़ को बनाना कैसे और उस चीज़ के रिएक्शन कैसे होते हैं, बस ये देखना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी हुई इसी से, ठीक है भाई। तो अब इथीन की प्रिपरेशन, अच्छा इथीन में जो रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा इथीन की प्रिपरेशन के लिए, वो है बाय एलिमिनेशन। यानी कि तीन रिएक्शन की टाइप्स कराई थी आपको, याद होगा। उनमें से एलिमिनेशन रिएक्शंस का हम इस्तेमाल करेंगे इथीन के प्रिपरेशंस को आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहला जो रिएक्शन आपके सामने है वो है बाय डी हाइड्रो हेलो जिनेशन, नहीं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन बाद में रखते हैं। चलो अब लिख दिया है तो पहले लिख देते हैं, बाद में मजा नहीं आएगा वरना। बाय डी हाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। अच्छा चलो, इथेनॉल को तो बाद में पूछेंगे, पहले जरा मुझे ये बताओ ये डीहाइड्रो हाइड्रेशन क्या होता है। व्हाट इज डीहाइड्रेशन? वाटर का मॉलिक्यूल निकालना। रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, क्लास में इस वक्त मुझ समेत 15 लोग हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे हटा दें। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एक दो लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वरना अगर ऐसा है कि मैं एक दो लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं बाकी 13 को लात मार के बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर, किसी मॉलिक्यूल में से वाटर का, वाटर को रिमूव कर देना, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे इथेनॉल बताएगा क्या होता है? इथेनॉल, किसी को पता है इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल किसे कहते हैं? C2H5OH। C2H5OH इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल की मैं कराऊंगा डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसकी मैं कराऊंगा डिहाइड्रेशन, यानी कि इसमें से मैं रिमूव करूंगा वाटर मॉलिक्यूल को, डिहाइड्रेशन कराऊंगा। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल होगा यहाँ पर, और टेम्परेचर होगा 170 डिग्री सेल्सियस। तो इस मॉलिक्यूल में से पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इथीन बनकर मेरे सामने आ जाएगा। अभी ये हुआ कैसे, ये मैकेनिज्म में समझ में आएगा। हुआ क्या भाई? सर हुआ ये कि ये दो कार्बन्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, एक के साथ लगा हुआ है OH और बाकी सारी जगहों पर लगे हुए हैं हाइड्रोजन्स, ठीक है, CH3 और CH2OH। जब हम इसके ऊपर ये सल्फ्यूरिक एसिड वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर पर रखते हैं, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इस अल्फा कार्बन में से, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप तो इसे कहूंगा अल्फा कार्बन, और इसका पड़ोसी ये है तो इसको कहूंगा बीटा कार्बन। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड फोर्स करता है इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, इस अल्कोहल मॉलिक्यूल को, कि अल्फा कार्बन में से OH को रिमूव करता है, ठीक है, और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन को ये रिमूव करता है। इधर से H और इधर से OH दोनों ने मिलकर क्या फॉर्म कर दिया बेटा? दोनों ने मिलकर फॉर्म किया वाटर, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मिलकर वाटर बन गए। अब इस कार्बन के पास से हाइड्रोजन निकला है तो इसके पास क्या बचा हुआ है? इसके पास ये बचा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन की अगर बात करूं तो इसके पास से OH गया तो ये दो बच गए, तो हमने ये दो भी लिख लिए। अब हालत क्या है? हालत ये है कि कार्बन को बनाने हैं 4 बॉन्ड, बने हुए कितने हैं? 3।
इस कार्बन के भी एक दो तीन बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन के देखें तो एक दो तीन बॉन्ड बने हुए। एक बॉन्ड की किल्लत पैदा हो गई है इनके रिमूवल से, तो वो बॉन्ड की किल्लत ये दोनों आपस में कैसी पूरी करेंगे, आपस में दोनों मजबूरन डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथीन। समझ में आया बेटा फॉर्मेशन ऑफ इथीन? बाकी काम तो ये खुद ही करेगा खुद को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब एक बात जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, इसको अपने जो है ना मर्द हजरत जो है वो अपने दामन में कहीं छुपा लें, खवातीन इसको अपने दुपट्टे के साथ कहीं बांध लें, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या बल्कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में अगर मेरे पास कभी लफ्ज आया डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेशन, पानी के रिमूवल का लफ्ज आया, तो मेरे जहन में जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए वो आना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा कोई और डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास और इससे भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेवल तक आपको डिहाइड्रेशन के नाम पर जो याद होना चाहिए वो यही है कि जहां डिहाइड्रेशन का जिक्र आया वहां पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को दुहाइयां देना शुरू कर दी। अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये जो इथाइल अल्कोहल का ये जो डिहाइड्रेशन है ये सिर्फ ऐसे तो होता नहीं है, ये अगर मैं चाहूँ जैसे मैंने कहा कि और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, अगर यही काम मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फॉस्फोरस एसिड की सूरत में भी कराऊं तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ये काम इनकी प्रेजेंस में भी होगा, ये भी वाटर को रिमूव करेंगे, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन एक बात है बताने की तो वो मैंने बता दिया कि यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का लफ्ज़ आया मेरी ज़िंदगी में, मैंने समझ लेना है कि बात सल्फ्यूरिक एसिड की हो रही है। ठीक है बेटे, आगे चलूं, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए बेटे, नो सर, आगे चलते हैं। अगला है बाय डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, by dehydrohalogenation of ethyl chloride, ethyl chloride की dehydrohalogenation करा दें। अच्छा ये dehydrohalogenation क्या होती है, कोई बताएगा? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का निकलना, रिमूवल ऑफ removal of hydrogen and halogen किसी भी molecule से। अच्छा hydrogen और halogen, halogen को सारे halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetine की बात नहीं होती organic chemistry में, fluorine, chlorine, bromine, iodine इन चारों की बात हो रही है और इन चारों को generally capital X से denote करते हैं, तो HX का removal, सही है? अच्छा इसके लिए मैंने ले लिया है ethyl chloride CH3 bond with CH2 Cl, इसका रिएक्शन मैंने करवाया एल्कोहलिक KOH के साथ। अच्छा एल्कोहलिक KOH क्या होता है बेटा, KOH एक सॉलिड है, बेस है और ये सॉलिड होता है। अच्छा ये जो एल्कोहलिक KOH होता है ये यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, सॉरी डिहैलोजिनेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। याद रखिएगा मैं हर रिएक्शन के साथ उसका रिएजेंट कौन है ये साथ में बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये रिएजेंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि सवाल आपको पता है पेपर में इनडायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको रिएजेंट्स अगर याद होंगे तो आप जवाब दे पाएंगे, वरना आप जवाब देने से कासिर रहेंगे। सही है भाई? अच्छा अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है CH3CH2Cl, अच्छा यहाँ पर इसका मैकेनिज्म अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर किस तरीके से होता है, यहाँ पर इस तरीके से होता है कि भाई दो कार्बन हैं, एक के साथ क्लोरीन जोड़ा है, बाकी हाइड्रोजन हैं, इसके साथ तीनों तरफ हाइड्रोजन है। अब अपने ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि कभी भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी
अल्कली मेटल को अगर कोई हेलोजन नजर आ जाए तो वो दुनिया जहान के रिश्ते नाते तोड़कर हेलोजन के पास चला जाएगा। और अगर यही बात हेलोजन पर भी लागू होती है कि अगर किसी हेलोजन को कभी कोई अल्कली मेटल कहीं नजर आ जाए तो वो दुनिया जहान के सारे रिश्ते तोड़कर अल्कली मेटल के पास चला जाएगा। यहां पर भी कुछ ऐसे ही हुआ, देखो क्लोरीन लगा है कार्बन से, इसके साथ जब मैंने मिलाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तो इस क्लोरीन को नजर आया अल्कली मेटल, तो इसने कार्बन के साथ अपने इस रिश्ते को तोड़ा और पोटेशियम के साथ अपने रिश्ते को जोड़ा। ये था अल्फा कार्बन क्योंकि इसके साथ लगा था फंक्शनल ग्रुप, इसका पड़ोसी है बीटा कार्बन, ठीक है। अच्छा, जब इस पोटेशियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो KCl बन गया। अब OH इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो गया। अच्छा, जैसा कि क्लोरीन अट्रैक्ट होता है पोटेशियम की तरफ यानी अल्कली मेटल्स की तरफ, वैसे ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH आयन भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे क्लोरीन तमाम रिश्ते नाते तोड़कर अल्कली के पास भागता है, वैसे हाइड्रोजन अपने तमाम रिश्ते नाते तोड़कर OH के पास जाते हैं। तो यहां से निकलेगा बीटा में से एक हाइड्रोजन और इस OH के साथ मिलकर ये क्या बना देंगे बेटा, वाटर। अब यहाँ क्या रह गया आपके पास, यहाँ रह गया H, C, H, C, H और यहाँ C, H, ठीक है। अब मजबूरी क्या है कि तीन तीन बॉन्ड है, मजबूरी अपनी बनाने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और अल्टीमेटली ये हो गया इथीन बन गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किसी के जहन में एक सवाल आ सकता है और वो ये सवाल हो सकता है कि सर ये हाइड्रोजन बीटा में से क्यों निकल रहा है, ये हाइड्रोजन इस अल्फा में से निकल जाए, मतलब क्लोरीन तो जा ही रहा है ना इसके पास से, हाइड्रोजन भी चला जाए, क्या जा रहा है कि ये बीटा में से ही निकल रहा है, बताता हूं। देखो वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो जब इस हाइड्रोजन इस कार्बन के पास से, इस कार्बन के अस्तबल से, इस कार्बन के बाड़े से कोई इसकी भैंस चुरा कर ले जाता है, जो भैंस कौन है यहाँ पर, क्लोरीन है, कोई इसकी भैंस चुरा कर ले जाता है तो दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये क्या करता है, ये बाकी भैंसों को बड़ी मजबूती से खूंटे से बांध लेता है। पहले बड़ी इतनी मजबूती से नहीं बांधा हुआ होता, अब ये मजबूती से पकड़ लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इन दो का नुकसान नहीं होने दूंगा। अच्छा, क्योंकि इस कार्बन ने तो एक नतीजा देखा होता है तो ये बेचारा अपने हाइड्रोजन को पुख्ता कर लेता है, लेकिन इसके पड़ोसी अस्तबल वाले जो होते हैं, एक मिनट बेटा, सारा टेम्पो तोड़ दिया जी, तो इसके जो ये पड़ोसी होते हैं, ये पड़ोसी तो भाई मतलब इनको तो पता ही नहीं होता कि माशरे में चल क्या रहा है, इन्होंने वही अपनी भैंसें खुली छोड़ी भी होती हैं, तो इन खुली भैंसों को फिर चोरी करने वाला तो मौजूद होता है ना वहां पर, तो ये यहां से खिसक जाता है। हाँ, अगर इस क्लोरीन के पास मतलब इस वाले कार्बन के पास से क्लोरीन नहीं निकलता तो ये कार्बन भी इतना मोहतात नहीं होता जितना ये वाला कार्बन जितना अभी है, तो हो सकता है तब यहां से निकल जाता, लेकिन अब चूंकि ये इतना मोहतात हो चुका है तो इसके पास से तो हाइड्रोजन निकालना नामुमकिन हो गया। समझ में आ गई बेटा वजह, जी सर। चलिए भाई, सर जी, इसमें जो है बीटा का कोई भी हाइड्रोजन ले सकता है वो? हाँ बेटा, कोई भी ले सकता है, ठीक है। चलिए जी, इसकी भैंस पानी में जाने के बाद हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। बेटा महा, तुम्हारे पास माइक है, ओके बोलने के लिए माइक का इस्तेमाल किया करो, तुम हर दूसरे लम्हे चैट पे मैसेज करती हो, मुझे इतनी मेहनत से नीचे जाके चैट बॉक्स खोलना पड़ता है, तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती, माइक पे बोलो बेटा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, अगला है बाय डी हेलोजिनेशन
बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है भाई। अच्छा विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है बेटा? कंप्यूटर में हैंड फ्री लगाकर आप माइक पे हैंड फ्री से बोल सकती हैं। हाँ जी, तो पहले तो ये बताओ जरा डी हेलोजिनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हेलोजन। क्या बात है, रिमूवल ऑफ हेलोजन, हेलोजन का रिमूव होना। अच्छा अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है बेटा? विसिनल डाइहैलाइड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हेलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन्स पर लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। दो हेलोजन्स एडजेसेंट कार्बन्स पर लगे होते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा, उसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो अगर मैं विसिनल डाइहैलाइड का रिएक्शन करवा दूं जिंक के साथ, जिंक डस्ट, इस रिएक्शन में थोड़ा सा हीट करते हैं, तो यहां पर क्या होगा कि ये क्लोरीन मौका देखते ही, मतलब इनको जैसे ही यहां पर जिंक नजर आया तो इन क्लोरीन ने तमाम रिश्ते नाते कार्बन के साथ तोड़कर जिंक के साथ जोड़ लिए और ये बन गए जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड बनने के बाद इस मॉलिक्यूल पर तो दुख का पहाड़ टूट गया, क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन थे, क्लोरीन थे, वो तो चले गए। अब मजबूरी के लिए ये क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे ताकि खुद के बॉन्ड तो स्टेबल रखें। तो इस तरीके से बन गया इथीन। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, गुड। तो अच्छा अब देखो बात कुछ ऐसी है यहाँ पर कि ये क्लोरीन के मामले में, मतलब हो सकता है आप लोगों की नजर में क्लोरीन का बहुत खराब इमेज बन रहा हो कि सर ये तो किसी का भी सगा नहीं है, जहां इसको मौका मिल रहा है ये अपने ही कंपाउंड को धोखा देकर किसी दूसरे के साथ चला जा रहा है। यहाँ पे पोटेशियम के साथ चला गया, यहाँ जिंक के साथ चला गया। बेटा देखो मसला ये है कि हम किसी के कैरेक्टर पे उंगली क्यों उठाएं, बात ये है ना। हमारे घरों में ऐसी तरबियत ही नहीं है हमारी कि हम किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाएं, लेकिन ये बात तो सच है। असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस क्लोरीन की परवरिश जो है ना उसमें खराबी है। क्या खराबी है? देखो क्लोरीन को पैदाइश से लेकर बड़े होने तक इस बात की तरबियत दी जाती है कि तुम्हें किसी पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ जुड़ना है, तुम्हें किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ जुड़ना है। तो क्लोरीन के जहन में सिर्फ यही बात होती है कि उसको किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अभी यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ विसिनल डाइहैलाइड में, इसको जैसे ही नजर आया जिंक, भाई कार्बन के मुकाबले में जिंक होता है ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो क्लोरीन फौरन ही कार्बन का पीछा छोड़कर जिंक के पास चला जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये इसकी तरबियत का हिस्सा है। अब अगर जिंक क्लोराइड के साथ अगर मैं कहीं से डाल दूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो तुम्हें पता है क्या होगा, ये क्लोरीन जिंक का पीछा छोड़कर पोटेशियम के पीछे चला जाएगा, क्योंकि जिंक के मुकाबले में पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा क्लोरीन उसी के पास जाएगा, जो जीता वही सिकंदर, जीतने वाले को ही ट्रॉफी मिलती है। समझ गए भाई? आगे चलें, चौथा रिएक्शन की टाइप देख लेते हैं। अच्छा चौथी टाइप क्या है भाई? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। बाई कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन, माज, नेहा, अरीबा, इन तीन लोगों के अलावा
मेरे सवाल का जवाब अब जो देगा वही क्लास में रहेगा, एक बार सवाल पूछूंगा दूसरी बार लात मारूंगा, ठीक है बेटा? तो हाइड्रोजनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। गुड, वदिया, तथीर, तस्लीम और महानूर, आप लोग सो रहे हैं क्या बेटा? सर मैंने साथ ही दिया आंसर, मैंने बोला ना लास्ट में। सर लास्ट में तुमने बोला, सर मैंने साथ ही दिया है सबके, फिर माइक ऑफ कर दिया। और तस्लीम आपको आवाज आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा सही है, चले मैडम तथीर, अगर आपकी हैंड फ्री का मसला है तो आप दूसरी हैंड फ्री का इस्तेमाल कर लें, ये बिला वजह के आर्ग्यूमेंट्स क्लास में मत दें। जब आवाज बात हुई कि सबकी चाहिए तो आपकी भी चाहिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सर ये रिमूवल कैसे होगा? एडिशन होगा ना? अरे हाँ, नहीं मैं ऐसे ही देख रहा था कि सिर्फ मैं ही नींद में हूँ या और भी हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा भाई ये क्या है? सी एच ट्रिपल बॉन्ड विद सी एच, ये है बेटा इथाइन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सी टू एच टू, अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर। इसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करा दें, कह रहे हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन बेटा हमेशा कैटालिटिक ही होती है, क्योंकि बिना कैटलिस्ट के हम इतना टेम्परेचर अचीव ही नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन को ऐड करा सकें। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही होगी, चाहे वो कैटलिस्ट कोई सा भी हो। फिलहाल आमतौर पर नॉर्मली रिएक्शन में हम निकल का इस्तेमाल करते हैं, और निकल की सूरत में ये रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। अब होगा क्या, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर ऐड हुआ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर ऐड हुआ, तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया इथाइन से, क्या बन गया ये बेटा? ये बन गया इथीन। बट इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है, क्या? यहाँ पे हम थोड़ी सी लफाजी कर देते हैं, दिस इज नॉट अ गुड मेथड because the final product of this reaction is ethane instead of ethene, ये एक अच्छा तरीका नहीं है ethene बनाने का, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल वहां पे हाइड्रोजन का दिया होगा या एक ही मॉलिक्यूल इथाइन का रखा होगा। एक एक से तो हमारा काम कभी होता ही नहीं है ना, पेट भरता तो है ही नहीं हमारा। वहां पर हाइड्रोजन तो बहुत सारे होंगे और इथीन भी बहुत सारे फॉर्म हो रहे होंगे, तो ये इथीन भी तो अनसेचुरेटेड ही है ना। जैसे इथाइन अनसेचुरेटेड है, एडिशन की इजाजत दे रहा है, वैसे इथीन भी तो अनसेचुरेटेड है, ये भी तो एडिशन की इजाजत देगा, क्योंकि इसमें भी तो डबल बॉन्ड है, सिंगल तो नहीं है। जब ट्रिपल अनसेचुरेटेड है तो डबल भी अनसेचुरेटेड है। तो अब जो मजीद कुछ वहां पर हाइड्रोजन मौजूद होंगे ना, उनके साथ ये, अच्छा कैटलिस्ट और टेम्परेचर की कंडीशन भी खत्म नहीं हुई होगी, वो भी वहीं की वहीं मौजूद होगी। ये उसके साथ रिएक्ट करके ये जो मजीद हाइड्रोजन है ये इसमें ऐड हो जाएंगे और ये CH3 अल्केन बन जाएंगे, यानी कि इथेन बन जाएंगे। और ये मैंने आपको ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ इथेन में भी करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। सर ठीक है, गुड। अगर कोई सवाल, सर, हाँ बेटा बोलो।
सर ये जो इसमें जो बॉन्ड एक पहले तो थ्री बॉन्ड बन रहे हैं फिर बाद में टू बॉन्ड बन रहे हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप हो या फिर डायरेक्ट मीथेन बन सकता है ये क्योंकि वही टेम्परेचर दिया जा रहा है। असल में होता ये है कि जब ये रिएक्शन हम कराते हैं ना तो इथीन इस रिएक्शन में बनता ही बहुत जिसे कह सकते हैं ना कि कुछ सेकंड्स के लिए बनता है और फौरन ही वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इस तरीके का इस्तेमाल इथीन बनाने के लिए नहीं करते हम, तभी हमने यहाँ नीचे लिख भी दिया है। वो ये जो बीच वाला स्टेप है ना इथीन बनने का ये होता ही मतलब एक आध सेकेंड के लिए है और फिर फौरन ये इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। इधर तो है ही ना, इधर तो हमने कहीं भी H2 इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ है कहीं नहीं में। अच्छा, और कोई सवाल बेटा? सर जब ये सिंगल बॉन्ड पर होता है तो फिर ये क्यों अपना बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड की तरफ चले आता है? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि सर बात ये कि आपने कहा है कि सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है, यहाँ बना हुआ है सिंगल बॉन्ड, क्या खुराफात लगी है इसको कि ये अपना हस्ती खेलती जिंदगी उजाड़ कर किसी दूसरे के पास चला जा रहा है? तो बेटा अभी देखो बात यह है कि असल में जो इसकी मैंने एक तरबियत की बात की थी ना वो है, अभी मैंने फिर वही एग्जाम्पल दोहरा दूंगा। कुछ टाइम पहले तुम लोगों को वो मेरे पास तुम हो कि एक एग्जांपल दी थी ना, वहां पे क्या था? Yes, sir. वो जो मोहतरमा थी आयजा खान वो खुश थी दानिश के साथ, दानिश ही नाम था ना उसका, हाँ वो खुश थी दानिश के साथ, खुश नहीं थी मतलब, लेकिन वो बंदा उसके लिए बड़ा परफेक्ट था बिकॉज वो उसके साथ रगबत रख रहा था, उसकी इज्जत कर रहा था मोहतरमा की, लेकिन उनको वो इज्जत तो रास थी नहीं, उनको तो दौलत रास थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बंदे को धोखा दिया और धोखा देकर वो मोहतरमा चली गई दूसरे के पास। तो यहां पर भी ऐसा ही है, बॉन्ड बना हुआ है सुकून में स्टेबल है लेकिन नहीं, जहां इनको ज्यादा दौलत नजर आई ये खिसक गए वहां पर। ये है बेटा यहाँ पे मसला सारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ही है बेटा, पाकिस्तानी ड्रामे देख लो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों का जो हमारा मोटिव है वो हम यही तो है, हम खवातीन को सिखा क्या रहे हैं, खवातीन को हम सिखा रहे हैं सियासत, चालबाजी, एक दूसरे का घर बर्बाद करना, कैसे किसी के घर में आग लगाई जाए। अपने घर के अंदर आग लगी पड़ी है उसकी परवाह नहीं है, दूसरे के घर में पानी डालने पहुंचे हुए हैं और पानी की जगह पेट्रोल डाल रहे हैं, केन पानी का है भरा हुआ उसमें पेट्रोल है, वो क्या रहा है डाल पानी रहे, लेकिन नहीं ये तो आग लगा रहे, क्या करें। और हमारी यहाँ माशाल्लाह से खवातीन बड़े शौक और जौक से वो ड्रामे देखती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, नाश्ता बर्बाद ही तो होगा। सर आज आपको क्या नाश्ता लेट दिया है? नहीं नाश्ता तो टाइम पे मिला है। सर आज गुस्से में लग रहे हैं आप तो? नहीं नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ, गुस्सा इन लोगों की हरकत की वजह से आता है, अभी मैं जरा इन लोगों को भी ट्रीटमेंट दे देता हूँ बाकियों को ना। अच्छा कोई सवाल वगैरह बाकी है किसी का? नो सर नो सर नो सर।